हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है जाबिर और आप देख रहे हैं जाबिर मेडिकल हेल्थ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम टैबलेट जेंटिल का रिव्यू करेंगे। टैबलेट जेंटिल में क्या कंपोजिशन है, किस कंपनी का प्रोडक्ट है, क्या रेट है और क्या यूजेस हैं, क्या साइड इफेक्ट हैं और क्या डोज है, सब कुछ जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए फ्रेंड्स, टैबलेट का नाम है जेंटिल और इसका कंपोजिशन रहता है एल्बेंडाजोल 400 mg। ठीक है फ्रेंड्स, इसका कंपोजिशन रहता है एल्बेंडाजोल 400 mg और इस एक टैबलेट का रेट रहता है मार्केट में 10 रुपए 27 पैसे और इसको मैन्युफैक्चर कर रही है ग्लैक्सोस्मिथकलाइन कंपनी का प्रोडक्ट है और ये कंपनी बहुत ही स्टैंडर्ड की कंपनी है। इसका कोई भी प्रोडक्ट जेनरिक नहीं है। इस कंपनी के सब सारे टॉप के रिजल्ट हैं, कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं सबके टॉप रिजल्ट हैं। और ये टैबलेट स्पेशली यूज किया जाता है जिन लोगों को पेट खराब रहता हो, ठीक है, या फिर जिन लोगों को दस्त लगते हो, या फिर जिन लोगों को ज्यादा भूख लगती हो या बार बार भूख लगती हो, या जिन लोगों के पेट में कीड़े हों, तो उन लोगों को ये गोली दी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, टैबलेट जेंटिल एक स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट है और इसको स्पेशली यूज किया जाता है पेट के कीड़ों के लिए और एक सिल्वर कलर की ऐसी पैकिंग में आपको मिलेगी। और जेंटिल के नाम से अगर आप खरीदोगे तो स्टैंडर्ड की है, एक ग्लैक्सो कंपनी का है और ग्लैक्सो कंपनी का ये लोगो आप देख सकते हैं और नजदीकी मेडिकल केमिस्ट से आपको ये मिल जाएगी। इसके साइड इफेक्ट वैसे तो होते नहीं है लेकिन फिर भी कुछ लोगों को हो जाते हैं, जैसे उल्टी लगना, सिर दर्द हो जाना, तो ऐसे इसके साइड इफेक्ट मिल सकते हैं। तो डॉक्टर की देखरेख में इस गोली को लें और रात को सोते समय इसकी डोज क्या है, रात को सोते समय एक गोली मीठे के साथ यानी कि चीनी के साथ ले लेना चाहिए। लगातार 3 दिन तक इसको खा लें तो इस गोली से बहुत ही आराम मिलेगा। ठीक है, बार बार भूख लगती हो तो उस कंडीशन में इसको यूज किया जाता है, इससे आपको बहुत फायदा हो जाएगा। जैसे ही आप इसको चीनी के साथ खाएंगे तो आपको बहुत बार बार भूख लगने वाली प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। और एक चीज का विशेष ख्याल रखें, कोई इसको प्रेग्नेंट औरत ना लें। ठीक है, मैंने इसका यूज बता दिया, साइड इफेक्ट बता दिया, इफेक्ट बता दिया, कंपोजिशन बता दिया, रेट बता दिया है, कंपनी का नाम बता दिया है, डोज बता दी है। अब बात रहती है कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। डॉक्टर की सलाह के बगैर ये दवा इस्तेमाल नहीं कर सकते आप। दवाई का कोर्स पूरा करें, दवाई परचेज करते समय एक्सपायरी डेट का विशेष ध्यान रखें, मेडिसिन का डोज ना लें, यह दवा आप बच्चों की पहुंच से दूर रखें। ये इन्फॉर्मेशन आपकी जानकारी के लिए, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हेल्थ और आयुर्वेदिक और एलोपैथिक मेडिसिन का रिव्यू टाइम टू टाइम मिलता रहे और आप अपडेट रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।